जय हिंद बच्चों कैसे हैं आप लोग बच्चों आज हम लोग लेके आए हैं क्राउन इथर्स तो आइए जानते हैं क्या होते हैं क्राउन इथर्स क्राउन इथर्स आर साइक्लिक पोलीथर्स विच वर डिस्कवर्ड बाय पेडरसन इन 1967 बच्चों 1967 में पेडरसन नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले क्राउन इथर के बारे में बताया था और टेक्निकली क्राउन इथर् जो होते हैं ये साइकिलिक पोलीथर्स होते हैं यानी बहुत सारे इथर जो होते हैं वो आपस में जुड़ के एक रिंग बनाते हैं इसलिए ये साइक्लिक पोली इथर कहलाते हैं आइए जानते हैं आगे दे आर साइक्लिक पॉलीमर्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल हैविंग जनरल बच्चों अभी आपको बताया था कि जो हमारे क्राउन इथर हैं ये पॉलीमर होते हैं साइक्लिक पॉलीमर होते हैं इथाइलियन ग्लाइकोल का तो यहाँ पर बहुत सारी इथाइलिन यूनिट्स जो होती हैं वो आपस में जुड़ती हैं रिंग फॉर्म में जिससे एक साइक्लिक पॉलीमर बनता है इथियलिन ग्लाइकोल का और यहाँ पर इथाइलिन ग्लाइकोल की जो यूनिट होती है वो होती है ओ सी एस टू सी एस टू एन तो ऐसी बहुत सारी यूनिट्स आपस में जुड़ती हैं रिंग फॉर्मेशन की फॉर्म में रिंग की तरह और बन जाता है हमारा क्राउनिथर या फिर साइक्लिक पॉलीमर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल क्राउन आर साइक्लिक ओलिगोमर्स ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड इनका एक दूसरा नाम भी होता है जिसमें साइक्लिक क्राउन को आप साइक्लिक ओलिगोमर्स भी कहते हैं बच्चों ओलिगोमर जो होते हैं दे आर इंटरमीडिएट्स ऑफ पॉलीमर पॉलीमर कह लीजिए कि जो लो मोलिकुलर वेट वाले पॉलीमर होते हैं उनको ओलिगोमर कहा जाता है यानी कि क्राउन इथर्स जो हैं वो बहुत सारी ऑक्साइड के जुड़ने से बना हुआ लो मोलिकुलर वेट एक साइक्लिक पॉलीमर है दे आर कॉमनली फॉर्मोलेटेड एज एक्स क्राउन वाई बच्चों क्राउन थर का जनरल फॉर्मूला जो होता है जो लिखने का तरीका होता है वो होता है एक्स क्राउन वाई अब जान लेते हैं कि क्राउन थर में एक्स और वाई क्या होगा तो यहाँ पे एक्स जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द रिंग ऑफ इथर जो आपका क्राउन थर होगा उसमें टोटल नंबर ऑफ जितने भी एटम होंगे उन सबको यहाँ पे एक्स की वैल्यू की फॉर्म में लिखा जाता है जबकि वाई जो होता है ये आपकी क्राउन इथर में ऑक्सीजन एटम को रिप्रेजेंट करता है फॉर एग्जाम्पल 18 क्राउन 6 ये आपके सामने एक साइक्लिक जो हमारा इथर है थर, क्राउन थर का नाम लिखा हुआ है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 18 जो है बच्चों ये X के लिए है और जो सिक्स है ये वाई के लिए है यानी कि इस क्राउन इथर के अंदर टोटल 18 एटम होंगे जिनमें 6 ओ एटम होंगे क्या है क्लियर है आपको आइए अब आप कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं तो पहला एग्जांपल लेंगे 18 क्राउन 6 का इट इज द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ क्राउन इथर्स एंड सिंपली नॉन एज ऑफ़ इथाइलिन ग्लाइकोल बच्चों जो एटीन क्राउन सिक्स होता है ये हमारा सबसे कॉमन क्राउन इथर का एग्जाम्पल है सबसे ज्यादा यही पढ़ा जाता है और यूज भी काफ़ी ज्यादा होता है यहाँ पर इथाइलिन ग्लाइकोल का ये एक साइकिलिकसामर है आई अब जानते हैं कि एटीन क्राउन सिक्स को बनाया कैसे जाता है प्रिप्रेशन तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वन टू बिस टू क्लोरोइथोक्सी इथर और ट्राई इथैलिन ग्लाइकोल की रिएक्शन कराई जाती है एक्वस एल्केलाइन मीडियम में और यहाँ पर टी एच एफ हमारा सोलवेंट होता है तो इस मिक्सचर को जब हीट करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से सी एल और यहाँ से एच जो है ये रिमूव हो जाएंगे और दोनों रिंग जो हैं वो दोनों फ्रेगमेंट जो हैं वो आपस में कंबाइन होंगे कंडेंस होंगे जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद यहाँ पे दोनों कार्बन को इस वाले कार्बन को यहाँ पर इस फ्रेगमेंट के ये वाले कार्बन को ऑक्सीजन से कंबाइन करता है जिससे बन जाता है हमारा साइक्लिक ओलिगोमर आप देख सकते हैं यहाँ पे इथाइलिन ऑक्साइड जो आपने ग्लाइकोल लिया था वो ग्लाइकोल आपस में कंबाइन हो गया है और ये बन गया है आपका एट्टीन क्राउन सिक्स आप देखिए यहाँ पे एटीन आपने लिखा हुआ है ये एक्स था ये वाई था ये कॉमन फॉर्मूला होता है यहाँ पे एटीन जो है ये इस क्राउन इधर के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है अगर मैं काउंट करना चाहूँ तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन और ये एटीन तो 18 एटम आपको दिखाई दे रहे हैं इस इथर के अंदर अब अगर आप देखना चाहें तो सिक्स जो है ये ओ एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इस क्राउन इथर के अंदर सिक्स ओ एटम है जबकि टोटल एटम जितने हैं वो अट्ठारह हैं क्या ये क्लियर है आपको चलिए फिर आगे बढ़ते हैं आइए अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्राउन इथर किसी भी क्राउन इथर को बनाने के लिए क्या कॉमन रिएक्शन मैकेनिज्म हो सकती है

पहला डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसमें क्लोरीन एटम जो आपने डाई आप लेंगे उसमें से एक क्लोरीन एटम जो है वो आयन आयन बना के बाहर निकल जाता है क्योंकि तो ये यह यहाँ पे लिविंग ग्रुप का रोल प्ले करता है आफ्टर द इनिशियल एल्काइलेशन के प्लस एपरेंटली एक्ट्स एज टेम्पलेट टू ब्रिंग टू रिएक्टिंग एंड्स ऑफ लॉन्ग चेन क्लोजर बच्चों उसके बाद यहां पर एल्काइलेशन के बाद के प्लस जो आपका एल्केलाइन सोल्यूशन होगा उससे मेटल आयन आएगा और वो वहाँ पर टेम्पलेट का काम करता है दोनों फ्रेगमेंट को दोनों रिएक्ट जो आपने वहाँ पे रिएजेंट और सब्सट्रेट लिए हैं उनको क्लोज लाता है और क्लोज लाने के बाद वहाँ पे दूसरा क्लोराइड आयन बाहर निकल जाता है दूसरा डिस्प्लेसमेंट होता है और तब जाके बनता है आपका क्राउन इधर क्लियर नहीं हुआ है सर मैं आपको क्लियर कराऊंगा एग्जाम्पल के साथ चिंता मत कीजिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका डाई हेलाइड है यहाँ पे ये यह आपका ग्लाइकोल है तो यहाँ पे पहले स्टेप में चाहे तो आप यहाँ से निकालें या यहाँ से निकाल तो यहाँ पे क्या बनेगा सर आप समझ सकते हैं यहाँ पे कटाइनिक साइट होगी सेम टाइम क्या होगा कि जो आपने ग्लाइकोल लिया है उसमें से जो आपका एल्कोहलिक ग्रुप है वहाँ का जो ऑक्सीजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन देगा जी बिल्कुल देगा और वो बिहेव करेगा कैसा वो बिहेव करेगा न्यूक्लियोफिलिक साइट

यहाँ पे क्राउडिंग होती है क्राउडिंग की वजह से ये सीएल जो है दूसरे वाला जो सीएल है वो प्लेन से बाहर निकल जाता है कुछ इस तरीके से अब इसमें इसका रिमूवल इजियर नहीं होता है लेकिन जैसे ही यहाँ पे के प्लस अंदर आता है आपका वो टेम्पलेट का काम करता है दोनों फ्रेगमेंट को पास पास लाता है और पास पास आने के बाद यहाँ से ये वाला सी जो है दूसरे वाला लिविंग ग्रुप ये बाहर निकलता है दूसरा डिस्प्लेसमेंट होता है जी और ये वाला ऑक्सीजन जो है ये इसके साथ यहाँ बॉन्डिंग कर लेता है जब के प्लस टेम्पलेट बन जाता है उसके बाद दूसरा डिस्प्लेसमेंट होता है दूसरा लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है क्या क्लियर है जो हमने ऊपर डिस्कस किया था तो जैसे ही यहाँ पे साइकलाइजेशन होगा दोनों ये आप जुड़ जाएंगे तो दोनों फ्रेगमेंट के जुड़ने के बाद आपका जो क्राउन इथर होगा वो कुछ ऐसा होगा क्या क्लियर है ये बन गया आपका एटीन क्राउन सिक्स इथर इसका नाम होगा जी सोलवेटेड एटीन क्राउन सिक्स विद पोटेशियम आयन नोट ध्यान रखिएगा जनरली क्राउन थर्स कैटाइन कॉम्प्लेक्स इज ऑल्सो नोन एज होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स यहाँ पे जो आपके ऊपर देख रहे हैं ये आपका है होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स यहाँ पे मेटल आयन चाहे वो एल आई प्लस हो एन ए प्लस हो के प्लस हो ये आपके गेस्ट हैं और जो आपके क्राउन इथर हैं जी ये आपके होस्ट हैं। इसको सिंपली क्राउन इथर कैटायन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं क्लियर है क्राउन इथर कैटायन कॉम्प्लेक्स अब यहाँ पे एक छोटी सी बात है ध्यान देने वाली कि एल आई प्लस कैटायन एन ए प्लस के प्लस आयन इनके साइज दिए हुए हैं साइज जो है ऊपर से नीचे की ओर बढ़ रहे हैं अगर आपने बड़ा कटाइन लिया हुआ है तो डेफिनेटली आपके इथर का क्राउन इथर का साइज बड़ा होगा यहाँ पे 18 मेंबर ये क्राउन इथर है यहाँ पे आप देख सकते हैं क्राउन इथर के अंदर नंबर ऑफ एटम कम हो गए हैं क्योंकि एन प्लस का साइज छोटा है और लिथियम कटाइन का साइज सबसे छोटा है इसलिए यहाँ पे इस क्राउन इथर के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम इन दोनों से कहीं कम है क्या ये क्लियर है आपको चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दूसरे क्राउन इथर्स की प्रिपरेशन के बारे में आप जानेंगे जी प्रिपरेशन ऑफ ट्वेल्व क्राउन फोर तो यहाँ पे आप एक चीज जान लीजिए कि इस क्राउन इथर के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम ट्वेल्व होंगे और चार आपके ओ एटम होंगे तो आइए जानते हैं कैसे बनता है ट्वेल्व क्राउन फोर इथर तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्वेल्व क्राउन फोर बनाने के लिए वन एट डाईक्लोरोस डाईक् ऑक्टेन और इथाइर ग्लाइकोल का रिएक्शन कराते हैं एल्केलाइन मीडियम में एनएस मीडियम में DMSO, LiClO4 एल आई सी एल ओ फोर की प्रेजेंस में इस मिक्सचर को हीट करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म आप जानते हैं एस एन टू होगी यहाँ पे दो डिस्प्लेसमेंट होंगे दोनों क्लोरीन लिविंग ग्रुप बन के बाहर निकलेंगे जैसा कि आपने पहले किया था वैसे ही यहाँ पे रिएक्शन होने वाली है तो यहाँ पे ये यह बन गया आपका ट्वेल्व क्राउन फोर इथर यहाँ पे हमने सोडियम आयन नहीं दिखाया है क्या क्लियर है तो ये जो आपका क्राउन इथर है ये सोलवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बना है कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स नहीं बना है तो यहाँ पे 12 क्राउन पोर लिखा हुआ है इसका साफ साफ मतलब है कि इस क्राउन इथर के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम 12 होंगे जबकि ओ एटम फोर होंगे क्या ये क्लियर है आपको तो आइए जानते हैं अगले क्राउन इथर की प्रिपरेशन के बारे में अगला है जी हमारा 15 क्राउन फाइव बच्चों यहाँ पे पहले वाले नंबर को आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं इसीलिए आपको दिखाया हुआ है कि अगर आप कहीं बुक में नोट्स में पढ़ते हैं तो आप हैरान या परेशान ना हो इन दोनों नंबर में से आप एक को पहले वाले को स्क्वायर ब्रैकेट में बंद भी कर सकते हैं ये टोटल नंबर ऑफ एटम दिखाता है और ये डिफ्रेंसिएट करता है इस वाले से कि भाई तो टोटल हो गए और ये आपके ओ एटम हो गए या फिर आप इन दोनों को बिना ब्रैकेट के भी दिखा सकते हैं लिख सकते हैं तो आइए जानते हैं कैसे बनता है फिफ्टीन क्राउंड फाइव एथर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने डाई हेलाइड लिया हुआ है क्लोराइड लिया हुआ है जैसे कि ऊपर लिया था वन एट डाईक्लोरोस ऑक्टेन है बच्चों ये और यहाँ पे डाई ग्लाइकोल लिया हुआ है एनयूएस एल्कलाइन मीडियम में डाइ सॉल्वेंट सोलवेंट की प्रेजेंस में मिक्सचर को हीट करते हैं मैकेनिज्म होगी एसेंटू रिएक्शन होती है डबल डिस्प्लेसमेंट होते हैं दोनों क्लोरीन लिविंग क्लोरिन के बाहर निकलेंगे और दोनों फ्रेगमेंट जुड़ जाएंगे और ये बन जाएगा हमारा क्राउन क्राउन क्लियर है आपको इस क्राउन इथर के अंदर बच्चों टोटल नंबर ऑफ एटम जो है फिफ्टीन होंगे और पांच ओ एटम होंगे जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अगला है जी हमारा डाई बेंजो एटीन क्राउन सिक्स कैटिकोल और डाई डाईक्लोरोक्सी डाई इथर के बीच रिएक्शन कराते हैं एल्केलाइन क्यू एच मीडियम में तो जैसे आप इस मिक्सचर को हीट करते हैं ये बन जाता है आप डाई बेंजो, 18, क्राउन, 6 इथर। आप डाई क्राउन क्राउन देख सकते हैं इस क्राउन इथर के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम जो है वो अट्ठारह होंगे एटीन होंगे जबकि ओ एटम यहाँ पे सिक्स होंगे आइए अब जानते हैं एप्लीकेशंस ऑफ क्राउन के बारे में कि सर जो आप क्राउन थर पे इतना जोर दे रहे हैं पढ़ा रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ें यूज़ क्या है तो बच्चों ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है मैं अभी क्लियर नहीं करूँगा वन बाई वन क्लियर करूंगा तो आइए जानते हैं कैसे यूजफुल है हमारा क्राउन ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर दे आर इम्पोर्टेंट फॉर देयर एबिलिटी टू सोलवेट कटाइन स्ट्रांगली एज वाटर डस बच्चों जिस तरह पानी किसी भी कटाइन को अट्रक्ट कर सकता है वैसे क्राउन के अंदर भी कैपेबिलिटी होती है कि कटैन को बहुत जल्दी अट्रेक्ट करता है अपनी ओर

वाइल्ड एक्सटीरियर हैज़ प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोकार्बन बच्चों अंदर की तरफ आपने अभी देखा था अंदर की तरफ कौन रहता है कैटाइन रहता है और बाहर की तरफ जो होता है वो कार्बन पार्ट रहता है इसीलिए मैं आपको अपने पाम को दिखाए दोबारा दिखाई दे रहा हूँ यहाँ पे मान लो हमारा एन प्लस है तो ये हमारा हो गया इंटीरियर पार्ट क्लियर है यहाँ पे हमारा आ गया है गेस्ट और ये जो होस्ट है इसके जो कार्बन है ये मान लीजिए ये आपका सी एस टू सी एस टू सी एस टू यूनिट्स हैं ये बाहर की ओर उभरी रहती हैं जिसकी वजह से ये क्राउन के जैसा बन जाता है कुछ क्राउन की अगर बात करें तो बच्चों ये क्राउन आप जानते हैं ये देखिए ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है ये देखिए यहाँ पे ऐसे दिखाई पड़ेगा ऊपर की ओर जैसे मेरी फिंगर बाहर निकल रही है ऐसे कार्बन पार्ट जो है वो बाहर की तरफ निकल जाता है और अंदर की तरफ रह जाता है हमारा कैटैनिक पार्ट भूलिएगा नहीं क्लियर है एज अ रिजल्ट कैटन सोलवेटेड इथर्स आर सोलेबल इन नॉन पोलर और ऑर्गेनिक सोलवेंट सो दे आर यूज इन सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एस पी टी सी एंड ड्यूरिंग एसेंटू रिएक्शन एज न्यूक्लियो फाइल ऑल्सो वो ध्यान रखिएगा कि जो हमारे जो हमारे क्राउन थर्स हैं उसके अंदर अंदर वाला पार्ट जो होता है वो कैटाइनिक चार्ज वाला होता है जिसकी वजह से वो यहाँ पे पोलर हो जाता है और बाहर वाला जो पार्ट होता है फ्रेगमेंट होता है वो हाइड्रोकार्बन कार्बन वाला होता है भी डिस्कस किया था तो इसके अंदर दोनों कैरेक्टर जनरेट हो जाते हैं अंदर वाला कह लीजिए कि आइनिक है और बाहर वाला नॉन आयनिक है अंदर वाला पोलर है बाहर वाला नॉन पोलर है तो इसकी वजह से ये फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट का काम करता है पी का, का, का काम करता है यानी कि ऐसे रिएक्शन जहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका इनऑर्गेनिक के साथ यानी कि ऑर्गेनिक लेयर इनऑर्गेनिक लेयर के साथ में रिएक्शन कर पाती है क्योंकि तो वहाँ पर उन दोनों को आपस में मिक्स करा देता है दोनों रिएजेंट्स को दोनों लेयर्स को पीटीसी फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट जो होता है उसका काम यही होता है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो ऑर्गेनिक लेयर में ऑर्गेनिक कंपाउंड में सोलेबल नहीं हो पा रहा है उसको सोलेबल कराए और इस काम में माहिर है आपका और हमारा पी कौन सा पीटीसी क्राउन थर पी टी सी फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट इसका वीडियो आपको जल्दी ही अलग से मिलेगा फिलहाल आप ध्यान रखिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक सिंथेसिस में मेन फेस ट्रांसफर कैटालिस्ट यानी पीटीसी है हमारा क्राउन इथर क्योंकि इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑर्गेनिक लेयर में डिजोल्व कराने की क्या ये क्लियर है आपको चलिए फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं फॉर एग्जाम्पल एटीन क्राउन सिक्स एंड केमेनो इज सोलेबल इन बेंजिन बच्चों होता क्या है कि केमेनो इज अ वेल नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और अगर आपको बेंजीन में कोई आपने सबस्ट्रेट लिया हुआ है बेंजीन में कोई कंपाउंड डिजोल्व किया है या फिर बेंजीन का ही कोई डेरिवेटिव है तो केमेनोफोर को आप ऑक्सीडेशन करने के लिए उस बेंजीन डेरिवेटिव के लिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि बेंजीन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है केमेन्ोफोर जो आपका है ये इसके साथ इस लेयर में डिजोल्व नहीं होगा यानी कि बेंजीन को ऑक्सीडाइज या बेंजीन डेरिवेटिव को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है क्योंकि बेंजीन में डिजोल्व नहीं होगा आपका केमेन्ोफोर लेकिन अगर आपने क्राउन थर्ड लिया हुआ है तो के एम एन ओ फोर इसमें सोलेबल हो जाएगा इसके लिए बेंजीन के लिए ऑक्सीडेंट का काम करेगा कैसे आइए जानते हैं हम आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने क्राउन इथर लिया है एटीन क्राउन सिक्स इथर है बच्चों ये यहाँ पे हमने के एम एन ओ फोर में क्राउन इथर को डिजोल्व कराया तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहां पे दो पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं एक तो अंदर वाला है ये हमारा हाइड्रोफिलिक या लायोफिलिक है और बाहर वाला जो कार्बन पार्ट है हाइड्रोकार्बन पार्ट है भी बताया था आपको एक्सटीरियर पार्ट ये हमारा हाइड्रोफोबिक है तो जो आपका बेंजीन होगा वो तो इसके साथ इंट्रेक्ट करेगा उसमें तो ये वाला पार्ट डिजोल्व हो जाएगा और जो अंदर वाला पार्ट है इस क्राउन थर का वहाँ पे आपका केमिनोफोर डिजोल्व हो गया तो केमिनोफोर अब क्लोज आ गया है किसके बेंजीन के तो अब ये मोर रिएक्टिव हो जाता है और खास बात ये जो आपको ध्यान रखनी है ड्यू टू हाइड्रोफोबिक एक्सटीरियर पार्ट एनायन इज पुअरली सोलवेटेड डेट इज नेकड एंड मोर प्रॉन टू रिएक्ट यहाँ पे होता क्या है बच्चों कि जो आपका एनआईन है वो ज्यादा सोलवेट नहीं हो पा रहा है इंटरेक्ट तो कर रहा है के प्लस के साथ में जुड़ा हुआ तो है लेकिन थोड़ा दूर रहता है क्लियर है और दूर होने की वजह से हाइड्रोफोबिक के बाहर रहता है बोलते चल पीछे हट तो उसके इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है लेकिन थोड़ी डिस्टेंस ज़्यादा होती है जिसकी वजह से इसका सोलवेशन या इसका जो इंट्रैक्शन है वो के प्लस के साथ कम होता है और ये फ्री टू मूव रहता है नेक्ड रहता है ये अपनी नेसेंट ऑक्सीजन देने को तैयार है और आप जानते हैं जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है वही तो ऑक्सीडेंट है तो एमेनोफोर माइनस परमेगनेट एनायन यहाँ पर मोर रिएक्टिव रहता है और बहुत जल्दी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कर देता है तो क्या आप समझ गए हैं तो यहाँ पर क्राउन इथर जो है वो तैयार है ऑक्सीडेंट बन चुका है वो कैरी कर रहा है केमेनोफोर को किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करने के लिए या फिर कह लीजिए कि आपका केमेन्नोफोर जो है वो डिजोल्व करा दिया है किसने क्राउन इथर ने किसी भी ऑर्गेनिक लेयर में क्लियर हुआ तो ऐसे काम करता है पीटीसी का आपका और हमारा क्राउन इथर और इसका नाम होगा क्राउन के कॉम्प्लेक्स सोलेबल इन जो आपको समझाया था उसकी ये समरी है जी अब बात कर लेते हैं केमिकल ऑफ क्राउन थर्स की केमिकल रिएक्शन में क्राउन थर कैसे पार्टिसिपेट करता है क्या इसका रोल होता है जी पहला रहेगा इन न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शंस एज न्यूक्लियोफाइल तो देखते हैं कैसे बिहेव करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह आपका और हमारा क्राउन इथर इट इज मच यूजफुल इन दो न्यूक्ट्यूशन रिएक्शन विच हैव मोर प्रॉन टू गो अंडर एलिमिनेशन रिएक्शन बच्चों ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है क्राउन उन न्यूक्लियोफिलिक्सिट्यूशन रिएक्शंस में जहां पर उनका एलिमिनेशन रिएक्शन बनने के चांसेस रहते हैं यानी कि ऐसे रिएक्शन जो होती तो ऐसा है लेकिन अगर वहां पे कोई आपने दूसरा रिएजेंट ले लिया तो वो न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्सिट्यूशन से एलिमिनेशन रिएक्शन में कन्वर्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं तो वहां पर ये यूज किया जाता है हमारा क्राउन इथर ऐसी रिएक्शन में तो यहाँ पे बच्चों आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा बेंजेल क्लोराइड है इसके साथ में केएफ का रिएक्शन कराना चाहते हैं नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि जो है आयनिक कंपाउंड है और जैसे ही आप यहाँ पे बेंजाइल क्लोराइड को एसिटू नाइट्राइल सोलवेंट में ले डिजोल्व करेंगे तो के एफ इसके अंदर डिजोल्व नहीं हो पाएगा के एफ का जो फ्लोरीन आयन है वो क्लोरीन लिविंग ग्रुप को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे होता क्या है कि अगर आपको बेंजाइल क्लोराइड को बेंजाइल फ्लोराइड में कन्वर्ट करना है यानी सी एल को सब्सिट्यूट करना है एफ से तो यहाँ पे एटीन क्राउन सिक्स हेल्पफुल होगा ये आपके के एफ के साथ में यहाँ पे बनाएगा कॉम्प्लेक्स क्लियर है जी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस ये आप देख पा रहे हैं पोटेशियम आयन ने आपके क्राउन थर के साथ में सोल्वेशन कर लिया है क्लियर है और ये एफ माइनस को क्लोज ले आया है एसन रिएक्शन के लिए तो यहाँ पे एसन रिएक्शन होगी बच्चों क्लियर है और आपका क्राउन ईथर जो है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल फ्लोराइड एनायन को प्रोवाइड करता है क्राउन ईथर ने एफ को प्रोवाइड किया एफ माइनस को सप्लाई किया है इसलिए तो बन गया है आपका और ये हमारा न्यूक्लियोफाइल और देख रहे हैं आप बन गया क्या आपका बेंजाइल फ्लोराइड तो जनरली ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है अगर एटीन क्राउन सिक्स या कोई दूसरा क्राउन ईथर ना लिया जाए अब आप दूसरी रिएक्शन देख सकते हैं यहां पे बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे इसमें क्लोरीन से हमको यहाँ पे सब्सिट्यूशन किया है नाइट्राइल का तो यहाँ पे जो आपका एटीन क्राउन सिक्स है वो पीटीसी का रोल प्ले कर रहा है यहाँ से वो इस न्यूक्लियो को अपने साथ लेके जाएगा और खुद क्राउन थर यहाँ पे सप्लाई करेगा किसको नए न्यूक्लियो को तो यहाँ पे जो रोल है क्राउन थर का वो न्यूक्लियो प्रोवाइडर है क्लियर है आप देख सकते हैं कि ये हमारा डाइक्लोरोबेंजीन है इसके साथ है पोटेशियम हमने यहाँ पे मिथोक्साइड लिया क्राउन है -सी है बच्चों यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनेगा इसका क्लियर है और उसके बाद यहाँ पे दोनों में से कोई सा भी सीएल आयन जो है वो नए न्यूक्लियो फाइल मिथोक्साइड एन आयन से सब्सिट्यूट हो जाएगा तो आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं इन तीनों एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा चाहे वो पहले वाला हो दूसरे वाला हो तीसरे वाला हो कि यहाँ पे क्राउन जो है हमारा न्यूक्लियो फाइल की तरह भी बिहेव करता है जी नो फोर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है लेकिन उसके लिए मीडियम एक्वस होना चाहिए तो ऑर्गेनिक मीडियम में वो सिर्फ क्राउन थर की हेल्प से ही ऑक्सीडेशन कर पाता है आइए जानते हैं कैसे तो आइए देखिए बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ क्राउन थर है केमिनोफोल लिया हुआ बेंजिन लिया हुआ केमिनोफोल बेंजिन में डिजोल्व नहीं होगा तो अब क्या होगा जी केमेनोफोर जो है बच्चों वो यहाँ पे साइक्लिक इथर के साथ में इंटरेक्ट करेगा तो ये देखिए आपका यहाँ पे जो क्राउन इथर है वो बन गया है आपका होस्ट और के प्लस है आपका गेस्ट क्लियर है तो यहाँ पे सोलेशन हो गया पोटेशियम आयन का इसके साथ में एमेनोफोर इंटरेक्ट करता है पुवर्ली करता है बट ये इसके साथ में जुड़ा रहता है तो इस तरह तरीके से केमेन्नोफोर साइक्लिक या क्राउन इथर की, की हेल्प से बेंजिन या किसी दूसरे ऑर्गेनिक रिएजेंट में डिजोल्व हो जाता है और ये जो आपका कैटैनिक क्राउन इथर कॉम्प्लेक्स बना है ये बिहेव करेगा ऑक्सीडाइजिंग मिक्सचर की तरह क्लियर है इसका नाम होगा डी सी एच एटीन क्राउन सिक्स कॉम्प्लेक्स विद के एमोफोर इन बेंजीन तो ये आपका ऑक्सीडाइजिंग मिक्सचर बन चुका है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करने के लिए क्लियर है आपको आइए जानते हैं आगे तो यहाँ पे ये तीन रिएक्शन दिखाई हुई है जी ये देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेन्जीन में ये ऑर्गेनिक कंपाउंड लिए हुए इनका आपको ऑक्सीडेशन कराना है के एम फोर से तो ये पॉसिबल तभी है जब आपका क्राउन इथर जो है केएमएनो फोर के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाए बेंजीन में ये आपका ऑक्सीडाइजिंग मिक्सचर है जो आपने ऊपर बनाया था ऑक्सीडेशन करेगा दोनों ओएच को देख पा रहे हैं किटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया ऑक्सीडाइज कर दिया है यहां पे ऑक्सीडेशन किया तो उसको बेंजोइक में कन्वर्ट कर दिया है यहाँ पर अल्कोहल को बेंजोइक एसिड में ऑक्सीडाइज कर दिया है हमारे केमेनोफोर ने क्लियर हुआ बाय यूजिंग क्राउनथर विद द हेल्प ऑफ क्राउन क्राउनथर ना होता तो ये नहीं कर पाता लेकिन अगर आपके संग है क्राउनथर तो जीत जाएंगे आप क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट है जी एल्काइलेशन इन एल्केलाइन मीडियम हैविंग एल्फा एच एटम कैन बी बच्चों हमारे क्राउन होते हैं वो ग्रुप भी सप्लाई करते हैं एलकाइलेशन में भी हेल्पफुल है कैसे एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे हम आप देख पा रहे हैं कि जो आपने कंपाउंड लिया हुआ सब स्टेट इसमें ये वाला कार्बन जो है जी वो एल्फा होगा कम से कम जो भी आप कंपाउंड ले रहे हैं जिसका आपको एल्काइलेशन करना है उसमें एक एल्फा एच होना जरूरी है समझ पा रहे हैं तो ये एच कौन सा हुआ Alpha H हुआ एक है तो एक Alpha H है जी यहाँ पे आपको ब्रोमोइथीन के साथ में रिएक्ट कराया हुआ है एल्केलाइन कंसनट्रेट एल्केलाइन मीडियम है क्राउन लिया हुआ है तो ये यहाँ से बन जाएगा आपका एक मिक्सचर जिसमें कि वो आपका सोडियम केटायन कॉम्प्लेक्स इथर होगा समझ पा रहे हैं जी आपको और वहां से ये सी टू एच फाइव पार्ट को सप्लाई करेगा एलकाइल ग्रुप को सप्लाई करेगा और ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एच को सब्सिट्यूट करके आपका एल्काइल ग्रुप आ चुका है तो आपने देखा कि आपका एथाइल ग्रुप आया है एथाइलेशन किया है आपने विद द हेल्प ऑफ क्राउन इथर क्लियर है जी नेक्स्ट है जी हमारा एस्ट्रिफिकेशन तो एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन को कराने के लिए भी यूज किया जाता है हमारा क्राउन इथर आइए जानते हैं कैसे बच्चों आपने जाना है कि एस्टिफिकेशन में आपने क्या लिया था सर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लीजिए कोई भी एल्कोहल लीजिए उसका रिएक्शन करा दीजिए लेकिन देखिए बच्चों यहाँ पे आपने पोटेशियम सोल्ड लिया हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ पे आपने ये एलाइड लिया हुआ है एटीन क्राउन सिक्स की हेल्प से आपने इसका क्या किया आप देख पा रहे कि यहाँ पे सर इसका हो गया है एस्ट्रिफिकेशन तो बच्चों ऐसी रिएक्शन जहाँ पे जनरली एस्ट्रिफिकेशन पॉसिबल नहीं होता है ऐसे कंपाउंड को एस्टर में कन्वर्ट किया जाता है ऐसे डाई को कन्वर्ट किया जाता है बाई यूजिंग क्राउन ईथर क्लियर है ये बन गया आपका एस्टर तो हमने जाना आज क्राउन ईथर क्या होते हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में उनकी प्रिपरेशन के बारे में और उनकी प्रॉपर्टीज़ एप्लीकेशंस के बारे में क्या ये आप क्लियर है चार केमिकल प्रॉपर्टी करी है आपने क्योंकि क्राउन थर जो होता है उसके अंदर एक खास बात होती है क्या कैटाइन को इंट्रैक्ट करने की जैसे कि पानी करता है होपफुली ये वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा ध्यान से देखिएगा फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग हिंद बच्चों